नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रश्मि और मेरे वीडियोज अगर आपको पसंद आया करें, सरल लगा करें, इजी लगा करें, आपके काम के हों, तो उन्हें लाइक कर दिया करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करें कि वो आपको कैसे लगते हैं। सबसे पहले हमें एक पैन चाहिए होगा या कढ़ाई। इसमें हम 4-5 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे और धीमी आंच पर चीनी को पिघलाना है बिना पानी डाले हुए। 1-1.5 मिनट बाद देखेंगे कि ये नीचे से थोड़ा थोड़ा चिपकने लगी है। इसे बराबर चलाते रहें, अदरवाइज चीनी जल जाएगी। तो नीचे से देख रहे हैं चिपक रही है, हल्की हल्की मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही ये थोड़ी थोड़ी मेल्ट होगी, इसमें हम 1/4 चम्मच घी या बटर डाल देंगे और साथ ही इसको मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह की चीनी आपकी मेल्ट हो गई है और फ्लेम को धीमा ही रखना है। अभी इसे हम बराबर चलाते रहेंगे जब तक हमें एक अच्छा सा कैरेमल का डार्क कलर ना मिल जाए। आप इसे बराबर चलाते रहेंगे तो कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा। इसमें कोई भी फूड कलर नहीं ऐड किया गया है। ये पकने के बाद में जैसे जैसे चीनी का टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे ये इसका कलर और भी गहरा होता जाएगा। एक तरफ मैंने कुछ बादाम काट कर रखे हुए हैं बारीक। आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, या मूंगफली के दाने डाल सकते हैं, जिससे एक अच्छा सा क्रंची कैरमल जो हमारा है वो बनकर रेडी होगा, जो हमें बटर स्कॉच आइसक्रीम के लिए चाहिए। तो देख रहे हैं कितना डार्क कलर हो गया है। तो इसमें अब मैं बादाम डाल दूंगी और गैस को कर देना है बंद बादाम डालने के बाद, क्योंकि चीनी बहुत गर्म होती है। और इधर एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा नीचे घी लगाकर ग्रीस कर लिया है और इसे तुरंत डाल देंगे। देखें कि बादाम जल ना जाए और इसे फैला देंगे। 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये बिल्कुल कड़क सेट हो जाएगा एकदम पतला। इसको फैला दीजिए। इधर एक तरफ मेरे पास 250 ml दूध है, यानी कि 250 ml। इसे वापस कढ़ाई में हम डालते हैं या पैन में डालिए। इसे अब हमें थोड़ा गाढ़ा करना है दूध को। जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक देख लेते हैं, मेरे पास यहाँ 1 कटोरी मलाई है, छोटी कटोरी। इसे मैंने थोड़ा सा ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया है। बिल्कुल ज़रा देर ब्लेंड करना है जिससे कि अच्छे से बिना लम्ब्स की क्रीम हमको मिल सके। अब इसे विस्कर की मदद से इसको फेंट लेंगे अच्छे से, जिससे कि इसमें थोड़ा एयर आ जाए, ये थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। एक तरफ दूध भी गाढ़ा हो रहा है, हमें इसको बिल्कुल रबड़ी जितना गाढ़ा नहीं करना है, उससे तो पतला ही रखना है। तो जब तक ये दूध थोड़ा हो रहा है, एक तरफ हम इसे कॉर्नफ्लोर और दूध का घोल बना लेते हैं। तो इसी दूध में से 4 चम्मच 5 चम्मच आप छोटा सा छोटे चम्मच से दूध निकाल लीजिए और कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर आप सभी जानते होंगे बहुत इजी अवेलेबल है शॉप्स में। इसमें 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूंगी और इसे मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को हम डालेंगे हमारे इसी दूध में। फ्लेम को मैंने यहाँ स्लो कर रखा हुआ है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद में कभी भी फ्लेम को हाई ना करें और डालने के बाद में 1 मिनट तक हम बराबर इसको मिलाएंगे। आप देख रहे हैं दूध की कुछ इसमें लम्ब्स आ गए हैं, मलाई के जो लम्ब्स हैं। तो इसको पूरी तरह से ठंडा करके इसे भी हम ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे, जिससे कि अच्छा सा हमें एक स्मूथ टेक्स्चर इसका मिले। एक तरफ ये कैरामल एकदम टाइट हो गया है 10-15 मिनट में ही, और इसे चाकू की मदद से निकाल लेते हैं। देख रहे हैं कितना कड़क निकला है, इसे तोड़ लीजिए और किसी चीज़ से कूट कर इसका दरदरा बुरादा जैसा हम बना लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर मोटर है, तो मोटर में डालकर मैं इसको कूट लूँगी। ये बहुत ही क्रंची है, दिखने में तो बिल्कुल है ही कांच जैसा। कुछ इस तरह का मैंने बुरादा बनाकर निकाल लिया है। अब एक तरफ उसी क्रीम में मैं ये डाल दे रही हूँ दूध का जो मिक्सचर था। अब इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे, पिसी हुई चीनी है ये, और चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी इसमें भी बहुत लम्ब्स हैं तो थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, और फूड कलर मिक्स करने के बाद में एक ब्लेंडर में डालकर 10-20 सेकंड के लिए इसे चला लूँगी, जिससे कि अच्छा सा एक हमें लम्ब्स फ्री ये हमें एक मिक्सचर या घोल मिल जाए। तो ये हमें मिल गया है। और एक टिन लिया है मैंने, आप किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में भी जमा सकते हैं इसको। टिन में इसको पोर कर देंगे, ऊपर से डाल देंगे हमारा ये कैरमल का जो बुरादा रखा हुआ है हमारे पास में, जो कूट कर ऊपर से, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम बाद में इसको डाल सकते हैं। बुरादा डाल दिया है, थोड़ा सा बचा लिया है बाद में डालने के लिए।
इसे हम एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे और उसके बाद एक पॉलीथीन से पूरा कवर करेंगे। 10 घंटे के लिए मैंने डीप फ्रीज़र में डाल दिया था इसको। अब मैं इसे खोल रही हूँ और ये जम गई है अच्छे से, तो इसे निकालने की देखते हैं। अभी ये बहुत टाइट है क्योंकि मैंने जस्ट अभी निकाला है ये। 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए, तो ये थोड़ी सॉफ़्ट हो जाएगी तो निकलने में मदद हो, आपको हेल्प मिलेगी निकालने में। और बस ये रेडी है, और इसे स्कूपर से निकालेंगे तो और भी अच्छा टेक्सचर आएगा आपकी आइसक्रीम का। आप इसे काट कर भी सर्व कर सकते हैं, किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं। एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है, ऊपर से बुरादा डालेंगे, तो बुरादा अच्छी खासी क्वांटिटी में भी आप डाल सकते हैं। जो हमारे पास कैरमल का बुरादा था वही डालना है, और एक कैरमल के टुकड़े से मैं इसको सजा दूंगी, तो इसे खाने में एक अच्छा सा कुरकुरापन आएगा। और आपकी आइसक्रीम होममेड बटरस्कॉच आइसक्रीम अगर तैयार है, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इसी तरह से आसान रेसिपीज़ देखने के लिए।